हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका मेरा टॉपिक है वो है इको साउंड इफेक्ट। किसी भी वीडियो में उसकी जो ओरिजिनल वॉइस है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए इको साउंड में। इको साउंड जो है वो न सिर्फ ये कि आपकी वॉइस जो है या किसी भी वॉइस को जो है वो इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके ज़रिए जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको वो वॉइस सुनने में मज़ा आता है। तो वैसे तो इसको चेंज करने के लिए, यानी कि जो नॉर्मल वॉइस है उसको कन्वर्ट करने के लिए इको साउंड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मौजूद हैं, जिसका रिज़ल्ट जो है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता, जो काम करती हैं कुछ नहीं करती। लेकिन वजह खुद मुझे जो है जो पसंद है एप्लीकेशन, उसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर से आप इजी तरीके से अपनी कोई भी वीडियो हो, साउंड हो, अपना आपका पर्सनल साउंड हो, वॉइस हो, या फिर कोई वीडियो हो किसी भी फिल्म की या नॉर्मल कोई वीडियो हो, उसकी वॉइस को आप जो है वो उसमें इको साउंड इफेक्ट ला सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से आप जो है उसमें उसका जो है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो उस एप्लीकेशन नाम, जैसे मैंने बताया आपको, काइन मास्टर है। और काइन मास्टर का जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका जो है लिंक मैं दे देता हूँ। तो आइए चलते हैं मेरी उस एप्लीकेशन की तरफ, काइन मास्टर, जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि इस तरीके से आपने वॉइस को जो है कन्वर्ट करना है इको साउंड में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आपको जो है इस तरह की वीडियो ला सकूँ। तो आइए चलते हैं मानी टेक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये रहा मेरा डेस्कटॉप मोबाइल का। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से काइन मास्टर की एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल की जाती है। तो आइए चलते हैं आपके मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में, और यहाँ जाकर आप सिंपली टाइप करते हैं काइन मास्टर। तो ये देखिए इस तरीके से जो इंटरफेस वो आएगा। तो इसमें आपको दो तरीके के वर्जन अवेलेबल हैं, एक फ्री वाला और एक पेड वर्जन। तो आपने फ्री वाला इंस्टॉल कर लीजिए। तो आइए चलते हैं कि मैं अपनी एप्लीकेशन की तरह जो मैंने कि अपने मोबाइल के अंदर ऑलरेडी सेव की हुई है, इंस्टॉल की हुई है, तो आइए मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये ओपन हो गई। तो अब देखिए कि यहाँ पर मेरे जो कुछ प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं जिनमें कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। मुझे न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि नए काम के लिए, एक नया प्रोजेक्ट के लिए ये सर्किल में जो प्लस, रेड सर्किल में प्लस का निशान है, इसको मुझे क्लिक करना होगा। तो उससे पहले आइए देखते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी इस सिलसिले में एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है सैम्पल के तौर पर, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये इस तरीके से वॉइस चेंज हुई है इसकी, यानी इको साउंड में। तो मैं आपको प्रैक्टिकली फिर करके बताता हूँ। तो आइए पहले इसको सुन लेते हैं। तो फिर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। तो दोस्तों देखिए कि ये जो साउंड इफेक्ट जो है ये एको वाले, ये मैं ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने किया। तो मैं ये न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, प्लस कनेक्शन पे। यहाँ से मैं ये 16.9 वाला जो लेफ्ट साइड पे सबसे पहला, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए ये आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, ऊपर जो ये मीडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा है साइट पे, मैंने सिंपली इसको क्लिक करना है। तो ये मुझे अपनी गैलरी में ले जाएगा, जहाँ पर मैंने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस डाउनलोड की हुई हैं। तो मेरी ये वीडियो जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो यहाँ है इस एप्लीकेशन में। इसमें यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन ये कि मैं कोई भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैंने जो बनाई हुई है सैम्पल, उसी को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर आ चुकी है। मैं यहाँ से ऊपर से टॉप से इसको क्लिक करके ओके कर देता हूँ, यानी कि ओके कर दिया, ये मेरी स्क्रीन पे आ चुकी है। तो मैं इसका साउंड दोबारा सुन लेता हूँ प्ले करके। ये सुनकर क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? इस वीडियो की वॉइस में एको नहीं है, सिंपल वॉइस है।
तो आइए मैं इसको चेंज करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी वीडियो के ऊपर रेड लाइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ऊपर, उसमें से जो कैंची का ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए नीचे बोल रहा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक ग्रीन लाइन नीचे आ गई, मीन्स के ये वॉइस जो है वीडियो की वो यहाँ आ गई ग्रीन लाइन की सूरत में। मैं इसको ओके करता हूँ, फिर दोबारा सुनता हूँ। ये सुनकर क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। ये शोर भी है कि ये वॉइस यहाँ पर आ चुकी है लेकिन अभी तक इसको कन्वर्ट नहीं किया गया है। तो मैं इसको एको साउंड में करने के लिए इसको दोबारा से यहाँ पर ग्रीन लाइन पे क्लिक करूँगा और ये देखिए लेफ्ट साइड पे तीन डॉट आ रहे हैं, इन डॉट पे मैं क्लिक करूँ तो ये बोल रहा है डुप्लीकेट, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, यानी कि दो लाइनें आ चुकी हैं उसी ग्रीन लाइन की, पहली वाली की दूसरी लाइन आ चुकी है। तो मैंने यहाँ क्या करना, सिंपल एक छोटा सा स्टेप है वो ही आपको ये चीज़ कर देगा। हमने क्या करना है, ये सेकंड वाली जो ग्रीन लाइन है इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपको आवाज़ आ जाएगी कि ये ऑलरेडी प्रेस हो चुका है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है राइट साइड पे यानी कि फॉरवर्ड कर देना, ये देखिए मैंने थोड़ा सा किया, इसको हिला दिया और छोड़ दिया। अब मैं इसको सुनता हूँ। ये सुनकर क्या खुश हो? मैं खुश हूँ। तो फिर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? वॉइस जो है नॉर्मल वॉइस जो है वो एको साउंड इफेक्ट में चेंज हो चुकी है। तो इसी सेकंड लाइन को आप प्रेस करके फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके जो साउंड की जो एको है वॉइस की वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर और भी आपको कुछ अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे तो आप इसको सेकंड लाइन को क्लिक कीजिए और फिर जाइए इसमें तीन डॉट में, फिर एक डुप्लीकेट लीजिए, मीन्स कि तीन डुप्लीकेट हो गई, दो डुप्लीकेट, एक ओरिजिनल थी और दो डुप्लीकेट, तो आप इसको भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड वाले को प्रेस कीजिए, प्रेस की आवाज़ आएगी आपको, फिर इसको भी थोड़ा सा आप फॉरवर्ड कर दें और फिर सुनते हैं इसको प्ले करके। अब वॉइस में थोड़ा सा और डिफरेंस आ गया है। तो इसी तरीके से आप जितनी भी चाहें इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं और जहाँ आप सेटिस्फाई हो जाएं वहाँ आप इसको सिंपली ओके कर दें। ये मैंने इसको ओके कर देने से पहले मैं चाहता हूँ कि सेटिस्फाई हो चुका हूँ तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, शेयर मीन से ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। तो आइए मैं करता हूँ इसको शेयर पे गया और ये एक्सपोर्ट पे गया, तो अब ये एक्सपोर्ट मीन्स सेव हो रही है आपकी गैलरी में। तो दोस्तों ये था तरीका, बहुत ही इजी तरीके से जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं वो फॉलो कीजिए तो आपको बआसानी जो है आप किसी भी वीडियो की वॉइस को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एको साउंड में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और यकीनन अब आप जान गए होंगे किस तरीके से आप किसी भी वीडियो में या अपनी ज़ाती वॉइस को जो है वो इको साउंड इफेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, कुछ भी है, कोई इन्फॉर्मेशन है देनी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक पर।